कोई है? चलो मैं इसे अंदर रखाता हूँ। अरे मेम साहब, आप हो कौन और आपको यहाँ बांधा किसने है? अरे हाँ, थैंक यू भाई साहब, अब फटाफट से ना आप मेरे हाथ पैर खोल दो प्लीज, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन मैम साहब, मैं क्यों खोलूं, और खामखा किसी ने देख लिया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। नहीं नहीं मैम, मैं जा रहा हूँ। भाई साहब सुनो, इस हालत में आते तो मेरी हेल्प कर दो आप। भाई साहब, अगर इस हालत में आपकी बहन होती तो क्या आप उसको भी छोड़ के चले जाते ऐसी? हाँ मैम, बात तो ठीक कर रहे हो आप, आता हूँ मैम। मैम मैं आपकी मदद तो कर दूंगा और आपको खोल भी दूंगा, पर मैं उससे पहले ना जानना चाहता हूँ कि आपको यहाँ बांधा किसने है और आपके साथ हुआ क्या है और आपने किया क्या ऐसा जो आपको बांधा है। भाई साहब, वो ऐसा हुआ था क्या साहब? वो आपने कहा था ना कि आप मेरी सैलरी दे देंगे, तो दो तीन दिन हो गए हैं, तो अब आप दे दीजिए, मुझे जरूरत थी। तो एक दो दिन रुक जाओ ना, और वैसे भी महीना पूरे होने में पूरे 5 दिन बाकी है, तब भी तो मैं 3 दिन पहले सैलरी देने को रेडी हूँ ना। अब बार बार बोल के ना मेरा दिमाग मत खाओ साहब, मेरे घर में मेरे को जरूरत थी। जरूरत किसको नहीं होती पैसों की, अब बार बार बोल के ना दिमाग मत खाओ, मेरी मीटिंग है, मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ, शांति बनाए रखना। अरे साहब का पर्स, मैं काम करती हूँ इससे थोड़े से ना पैसे ले लेती हूँ, और जब मेरी सैलरी आएगी ना तो मैं उनको लौटा दूंगी। क्या कर रही हो तुम ये, अब तुम पैसे भी चुराने लग गई? हाँ दिखाओ पर्स, कितने पैसे लिए तुम? नहीं मैंने नहीं लिए साहब। तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें तो पुलिस के हवाले करूंगा। अच्छा तो ये हुआ आपके साथ। मैम मैं भी एक बहुत गरीब हूँ मैम, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, इस देश में ना हमेशा गरीबों के साथ गलत ही होता है, मैं करता हूँ आपकी मदद। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, आप मेरी मदद कर रहे हो, अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो मेरी मदद बिल्कुल नहीं करता ऐसे। अरे मैम ये तो मैंने आपकी इंतजार। अरे ये क्या कर रही हो तुम? सुन ज्यादा ना चूचा करने की जरूरत नहीं है, अभी मेरा शोर मचाया ना तो आप पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी, और फिर तेरा क्या हाल ना तो जानता ही है, तो चुपचाप बैठे रह, जो मैं करूँ मुझे करने दे अच्छे से। अरे मैम ये ना तुम बहुत गलत कर रही हो। बड़ा इंसान है तुम मदद करने वाला, तुम्हारे साथ ना अच्छा नहीं होगा, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। अरे थैंक यू सो मच यार, अगर तू मेरी हेल्प नहीं करता ना तो मैं इतना मोटा हाथ कभी नहीं मार पाती। थैंक यू, और बैठा रहा यहीं पे तू। तुम्हें इसकी सजा ना ऊपर वाला जरूर देगा। तुम कौन हो, और वो लड़की कहाँ गई जिसे मैंने बांध रखा था? अच्छा तो ये उसका मालिक। तुम्हारे साथ ना बिल्कुल सही हुआ, उसने बिल्कुल सही किया, तुम उसके साथ जो कुछ करते थे ना बहुत गलत करते थे, तुम गरीबों पे जुल्म करते हो ना, उसने ना मुझे सब बता दिया कि तुमने उसके साथ क्या किया। गरीबों पे जुल्म, लगता है वो लड़की तुम्हें भी पागल बना गई है। मैं बताता हूँ तुम्हें उसकी असली कहानी। अरे वाह, यहाँ का तो गेट भी खुला हुआ है, मैं फटाफट से अपना काम करके निकलती हूँ यहाँ से। अरे वाह, घुसते ही घर पे फोन मिल गया, यहाँ पे ना बहुत कुछ होगा, फटाफट से ना अपना काम कर लेती हूँ। अरे वाह, लैपटॉप बैग, मैं फटाफट से लैपटॉप निकाल देती हूँ उसमें से। ये आवाज, घर में चोर घुसा है क्या? ओए! सॉरी भाई साहब, लगता है मेरे ही समझने में कुछ गलती हो गई, मैंने उसकी ऐसे मदद कर दी और आपका इतना नुकसान भी हो गया, उसके लिए सॉरी, मुझे माफ़ कर दिए, और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे खोल दो। कोई बात नहीं, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं, पर हाँ खोल देता हूँ मैं तुम्हें, कम से कम तुम तो अपने घर जाओ। शुक्रिया भाई साहब, एंड माफ़ कर दीजिए, मैंने उसकी मदद करी। और आइंदा किसी पे ऐसे भरोसा नहीं करना जब तक सबूत ना हो, ठीक है? ठीक है भाई साहब। चलो उस लड़की को कहाँ ढूंढूंगा।